तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के रिजल्ट तो आ गया, पर रिजल्ट के आप आगे की क्या प्रोसेस रहेगी ये इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है तो हमने जो वीडियो डाल दिया जहाँ से आप या तो MPE सर्विस पोर्टल पर जाकर खुद से रिजल्ट देख सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर आपका भी सिलेक्शन हुआ है तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और वेटिंग लिस्ट वालों को क्या होगा ये अभी हम लगभग शाम तक आपको पता चल जाएगा कि वेटिंग लिस्ट वालों को क्या होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है वेटिंग लिस्ट वालों का या नहीं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी नई अपडेट नई जानकारी नई इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। तो चलिए चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि कैसे रिजल्ट निकला है, उसी के साथ बताएंगे कि आपको आगे की क्या प्रोसेस रहेगी। मेरे हिसाब से तो आज जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है उन सभी के पास कॉल आना स्टार्ट हो चुका होगा या व्हाट्सएप मैसेज आया होगा, व्हाट्सएप की लिंक आई होगी आपके नंबर पर, व्हाट्सएप की लिंक आई होगी ग्रुप की, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या फिर आपके पास कॉल आएगा। ठीक है, दो ऑप्शन है, या तो आपके पास कॉल फोन आएगा या आपको लिंक भेज दी जाएगी ग्रुप की। तो सबसे पहले आपको MPE सर्विस पोर्टल ओपन करना है, यहाँ पर आपको ऊपर ही रिजल्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस तो होने लगेगा। यहाँ पर आपको व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, व्यू वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे जहां पर आपकी इंटरव्यू की फाइनल मेरिट लिस्ट शो हो रही थी वहीं पर आपको जो जो है वो इंटरव्यू की लिस्ट देखने को मिलेगी। सबसे मेन बात जो आपको अब इंटरव्यू के बाद होगा वो क्या प्रक्रिया रहेगी तो वो यहाँ पर इस प्रकार रहेगी। दोस्तों अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि चयन सूची प्रोविजल है, किसी भी प्रकार की लिपिकर त्रुटि से आपको जो लिपिकर त्रुटि अगर होती है तो उसे सुधार कर सकता है AIGGP द्वारा। चयन के पश्चात आगे की प्रक्रिया सूचना कॉल या अन्य माध्यम, मतलब सूचना आपको फोन के माध्यम से दी जाएगी या व्हाट्सएप को आपको डायरेक्ट ग्रुप लिंक दी जाएगी, और जो भी आपके दिशा निर्देश रहेंगे आगे के वो आपको ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। 2 अगस्त, ठीक है, जिनका सूची में नाम आया है 2 अगस्त 2023 तक दस्तावेज परीक्षण हेतु CM फेलो के समकक्ष उपस्थित रहेंगे। ठीक है, जो CM फेलो का ऑफिस रहेगा वो कलेक्ट्रेट में रहेगा। ठीक है, वो कहीं भी बुलवा सकते हैं पर अधिकतर कलेक्ट्रेट में ही बुलवाते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि 2 अगस्त से पहले पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो भी इस वीडियो में बताएंगे, बस वीडियो के एंड तक देखें। अगर आपको आपका इंटरव्यू की फाइनल लिस्ट में नाम आ चुका है, ठीक है, फाइनल लिस्ट में नाम आ चुका है तो अब आपको 2 अगस्त तक यदि आपको ज्वाइनिंग नहीं करना है तो आपको उचित कारण बताना होगा CM फेलो को, ताकि जो आपके वेटिंग लिस्ट में उनमें से किसी को ज्वाइनिंग दी जाए। ठीक है, तो अभ्यर्थी को चयन सूची में नाम आने के पश्चात आवेदन के समय लगाए हुए सभी दस्तावेज आपको ले जाकर जाना है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना है, 10वीं की मार्कशीट लेकर जाना है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो जो आपके पास वो लेकर जाना है, निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है, बैंक की पासबुक लेकर जाना है। ठीक है, अब बैंक की पासबुक जरूरी है दोस्तों, बैंक की पासबुक लेकर जाना है, परिवार के किसी भी सदस्य का पहचान पत्र, स्वयं का पहचान पत्र आदि, इन सभी की मूल एवं छाया प्रति मतलब ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेकर जाना है। स्थान समय सूचना CM फेलो द्वारा दी जाएगी। ठीक है, आपको जो स्थान है वो समय है, कितने बजे आना है, किस तारीख को आना है, मतलब 2 तारीख से पहले पहले तो हो रहा है, किसी का 31 जुलाई को हो जाएगा, किसी का 1 अगस्त को हो जाएगा और किसी का 2 अगस्त हो जाएगा, क्योंकि जो है वो आगे अब आपको भोपाल में आपका बूट कैंप का कार्यक्रम रहेगा। ठीक है, हमारे पास तारीख आ चुकी है पर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, क्योंकि हम अगर आपको बेसिक तारीख बताएंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बताता हूँ वो, ठीक है, वो आपको नोटिफिकेशन के साथ बताना, तो जल्दी हमारे पास कल या परसों के टाइम पर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम वैसे ही आपको बता देंगे। दोस्तों यहाँ पर जिन जिन का अभी तक लिस्ट में नाम नहीं देखा है वो जल्दी से देख लीजिए, और ये निशा निर्देश आप MPE सर्विस पोर्टल में रिजल्ट वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, वहां से आप फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलेंगे ऐसी नई अपडेट नई जानकारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो में, इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे जल्द मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको क्लिक कर लेना। धन्यवाद।